अगर आप एम्पियर कंपनी की कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं तो इससे पहले इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में एम्पियर कंपनी जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर इंडियन मार्केट में बेचे जाते हैं 2023 मॉडल के साथ उसकी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, जिससे कि आप ये डिसाइड कर सकते हैं कौन सा स्कूटर एम्पियर कंपनी की आपके बजट रेंज के अंदर आएगी, क्या क्या फीचर्स मिल जाती है। तो कंप्लीट जानकारी आपको एक सिंगल वीडियो में मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। यहाँ पे सबसे पहले जो सबसे सस्ती इसकी जो स्कूटर मिलती है वहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो कि एम्पियर जिल ईएक्स है। इस मॉडल को आप तीन अलग अलग कलर के साथ देख सकते हैं, जिसमें आपको ग्रे, ब्लू और व्हाइट तीन के ऑप्शन के साथ मिल जाएगी, जिसमें आपको डुअल टोन का कलर भी देखने को मिल जाता है। काफी अच्छी यहाँ पे ग्राफिक्स दी गई है, पूरे बॉडी पे आपको ग्राफिक्स देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इसके फ्रंट हेड पे आपको टर्न इंडिकेटर लाइट मिल जाता है, फ्रंट एप्रन पे आपको इसके हेडलैम्प सेक्शन देखने को मिल जाती है, जहाँ पे हैलोजन हेडलैम्प लगा हुआ है और आपको डीआरएस देखने को मिल जाती है। बाकी आपको लेग स्पेस भी आपको अच्छी खासी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, और सीट इतनी लंबी मिल जाती है कि दो लोग आराम से बैठ सकते हैं, पीछे ग्रैब रेल मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके के लुक के साथ आपको ये जिल ईएक्स देखने को मिल जाएगी। बाकी इसमें जो मोटर लगी हुई है 1200 वाट का बीएलडीसी हब मोटर मिलता है। तो इसके बैटरी की बात करें तो 60 वोल्ट 38 एम्पियर के साथ आपको इसमें बैटरी मिल जाती है, जो कि 2.3 किलोवाट आवर लिथियम आयन बैटरी पैक मिल जाती है, और इसके बैटरी को आप निकाल भी सकते हैं और घर पे आराम से चार्ज कर सकते हैं। इसकी जो बैटरी है 5 से 6 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है, और सिंगल चार्ज में 120 किलोमीटर पर चार्ज की आईडीसी रेंज देती है, लेकिन जो ट्रू रेंज है वो आपको थोड़ा सा कम मिलेगा, 80-100 किलोमीटर पर चार्ज की रेंज इसमें देखने को मिल जाती है सिंगल चार्ज के बाद। बाकी इसके जो टॉप स्पीड है 55 kmph तक है। लोडिंग कैपेसिटी की बात करें तो 150 kg का भार आराम से इस पे रख के ले जा सकते हैं। टायर साइज इसके फ्रंट और रियर में 10 इंच के साथ मिल जाती है, जो कि आपको सीट मेटल व्हील के साथ मिलेगी, अलॉय व्हील्स यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाएगा, फ्रंट में ग्लोव बॉक्स मिल जाता है, कुछ सामान रख सकते हैं, यूएसबी चार्जिंग सॉकेट स्मार्टफोन चार्ज करने के लिए दिया गया है, हैलोजन हेडलैम्प के साथ आपको डीआरएस देखने को मिल जाता है, दो राइडिंग मोड भी यहाँ पे दिए गए हैं। इस क्लास में आपको डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि बेसिक से इन्फॉर्मेशन के साथ आती है, स्पीड, ऑडोमीटर, मोड, बैटरी, यही सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। कोई भी यहाँ पे कनेक्टेड फीचर नहीं दिया गया है, सिंपल आपको की मिल जाता है। इसके अलावा साइड स्टैंड सेंसर भी इसमें दिया गया है। बाकी इसके वारंटी की बात करें तो इसमें आपको 3 इयर्स इसके बैटरी मोटर कंट्रोलर मिल जाता है, या फिर 30,000 किलोमीटर जो पहले आ जाए। बाकी इसके जो ग्राउंड क्लियरेंस है लगभग 145 mm की है, और इसका जो वेट है 80 kg तक, यानी कि 80 kg ये भारी है। तो इसमें आप 150 kg का वेट ले जा सकते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया है। बाकी सस्पेंशन सेटअप फ्रंट के साइड टेलीस्कोपिक और रियर में क्वाल स्प्रिंग आपको सस्पेंशन भी देखने को मिल जाती है। वहीं इसकी प्राइसिंग की अगर बात करें तो एक्स रूम इसकी प्राइस दिल्ली में 69,900 यानी कि 69,900 रुपए तक है, जो कि ऑन रोड लगभग आपको 80,000 की प्राइस में देखने को मिल जाती है, यानी कि अगर आपका बजट 80,000 के आसपास में है तो इसको आप आराम से खरीद सकते हैं। बाकी एम्पियर कंपनी में जो दूसरी स्कूटर मिल जाती है वो इससे थोड़ी सी महंगी है, जो कि एम्पियर मैग्नस ईएक्स है। इसमें आपको 5 अलग अलग कलर देखने को मिल जाएगा, जिसमें गैलेटिक ग्रे, ग्रेफाइट ब्लैक, मेटेलिक रेड, ओशियन ब्लू और व्हाइट कलर देखने को मिल जाती है। तो 5 कलर ऑप्शन के साथ ये मैग्नस मिल जाएगी। बाकी इसके भी जो लुक है, डिजाइनिंग है, वहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे इसके हेड के ऊपर आपको हेडलैम्प मिल जाता है, डीआरएस देखने को मिल जाती है, और इसका लुक आप देख सकते हैं। बाकी साइड से भी फ्लोरबोर्ड पे स्पेस मिल जाता है, सीट लंबी मिल जाती है, पीछे आपको कैरियर मिल जाता है जहाँ पे कुछ सामान वगैरह रख सकते हैं, बांध सकते हैं, पीछे आपको टेलीम सेक्शन देखने को मिल जाएगा। बाकी इसमें भी आपको सेम जो जिल में मोटर दिया गया था वही मोटर यहाँ पे देखने को मिलेगा, 1200 वाट का बीएलडीसी हब मोटर मिल जाता है, और बैटरी वही दिया गया है 60 वोल्ट 38 एम्पियर के साथ, जो कि रिमूवेबल बैटरी है, इसकी बैटरी को निकाल के घर पे आराम से चार्ज कर सकते हैं, और इसमें आपको बैटरी 6-7 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है, और 80-100 किलोमीटर पर चार्ज की रेंज ये भी देगी। तो इसके भी टॉप स्पीड 55 kmph तक है, लोडिंग कैपेसिटी 150 kg तक है। तो इसके टायर फ्रंट और ये में 10 इंच के साथ मिल जाती है। बाकी कुछ फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको CVS मिल जाएगा, LED हेडलैम्प के साथ LED डीआरएस देखने को मिल जाती है, और इसमें आपको रिवर्स मोड भी देखने को मिल जाता है, जैसा कि जिल में रिवर्स मोड नहीं दिया गया था, लेकिन इसमें आपको रिवर्स मोड मिल जाता है। इसमें आपको लंबी सीट मिल जाती है, पीछे कैरियर दिया गया है, डिजिटल डिस्प्ले यहाँ पे देखने को मिल जाता है बेसिक सा, जो कि कनेक्टेड फीचर के साथ नहीं आती है। यहाँ पे स्पीड, ऑडोमीटर, क्लॉक, बैटरी, मोड, ये सारी जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इसमें बूट स्पेस भी देखने को मिल जाता है, जो कि थोड़ी सी बड़ी बूट स्पेस है, जहाँ पे LED लाइट भी लगा हुआ है। इसके अलावा फ्रंट में पॉकेट मिल जाता है, USB चार्जिंग सॉकेट दिया गया स्मार्टफोन चार्ज करने के लिए, लगेज हुक मिल जाता है, फ्रंट और रियर में ड्रम ब्रेक लगा हुआ है। इसके अलावा दो राइडिंग मोड भी मिल जाता है, जिसमें लो और हाई शामिल है। तो इसमें आपको सारी गार्ड भी देखने को मिल जाती है, लेडी फुटरेस्ट भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो इसमें वारंटी सेम वैसे ही मिल जाती है जैसे जील पे मिल जाती है, 3 इयर्स या फिर 30,000 किलोमीटर जो पहले आ जाए। बाकी सस्पेंशन सेटअप यहाँ पे फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में क्वाल स्प्रिंग यहाँ पे सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा, और इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है 147 mm की है। बाकी इसके प्राइसिंग की बात करें तो एक्स रूम इसकी प्राइस 83,900 यानी कि 83,900 रुपये तक है, तो जील से थोड़ी सी महंगी है, जो कि ऑन रोड इसकी प्राइस 93,000 के आसपास में चली जाती है। तो ये एम्पियर कंपनी की जो लेटेस्ट जो अभी कुछ टाइम पहले ही लॉन्च हुई है एम्पियर प्राइमस है,
और इसकी लुक और डिजाइनिंग थोड़ी सी ज्यादा प्रीमियम आपको देखने को मिल जाती है। इसमें आपको चार कलर ऑप्शन भी देखने को मिलेगा जिसमें ऑरेंज, ब्लू, व्हाइट और ब्लैक शामिल है। इसके अलावा आरसीबी लिमिटेड एडिशन भी कंपनी इसमें दे रही है, जहाँ पे आपको ग्राफिक्स आरसीबी की जो जर्सी है वैसा ही कुछ यहाँ पे कलर ग्राफिक्स दिया गया है। बाकी लुक और डिजाइनिंग इसकी भी देख सकते हैं, हेड के ऊपर आपको हेडलैम्प मिल जाता है। बाकी साइड से भी काफी अच्छा लुक यहाँ पे देखने को मिल जाती है, तो ओवरऑल इसका लुक देख सकते हैं। साइड में प्राइमस का आपको बैजिंग भी देखने को मिल जाएगा, लंबी सीट मिल जाती है, पीछे कैरियर भी दिया गया है। इसके अलावा इसमें आपको 4 किलोवाट आवर का मिड माउंट मोटर मिल जाता है। इसमें आपको BLDC हब मोटर नहीं मिलता है, मिड माउंट मिलता है जो कि बीच में दिया गया है। तो इसमें बैटरी जो लगी हुई है 3 किलोवाट आवर की लिथियम फेरोफॉस्फेट दिया गया है, यानी कि LFP बैटरी मिल जाती है। चार्ज होने में 4-5 आवर्स का समय लेती है। सिंगल चार्ज होने के बाद 107 किलोमीटर पर चार्ज की रेंज जो कि IDC रेंज देती है, लगभग आपको 90 किलोमीटर पर चार्ज की रेंज ट्रू रेंज दे सकती है। टॉप स्पीड इसकी 77 kmph तक है, 0-40 kmph रफ्तार 4.2 सेकंड पकड़ लेती है। साथ ही इसके फ्रंट और रियर में 12 इंच का ट्यूबलेस टायर भी मिल जाता है, जिसके फ्रंट और रियर में आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाएगा। तो इसके फ्रंट में आपको सस्पेंशन टेलीस्कोपिक, तो इसके रियर में डुअल शॉक सस्पेंशन भी आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही इसमें फीचर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे CBS यानी कि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, LED हेडलैम्प के साथ LED डियल्स देखने को मिल जाएगा। फ्रंट में पॉकेट मिल जाता है, यहाँ पे USB चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है। फुली डिजिटल डिस्प्ले मिल जाती है जो कि ये स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ आती है, जहाँ पे टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी दिया गया है। स्पीड, बैटरी, ऑडोमीटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी, मोड, ये सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। तीन राइडिंग मोड दिए गए हैं जहाँ पे इको, सिटी और पावर शामिल है। इसके अलावा इसमें भी आपको रिवर्स मोड देखने को मिल जाता है, यानी कि बैक गियर भी आप चला सकते हैं। बाकी इसमें आपको 22 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, जहाँ पे LED लाइट भी लगा हुआ है, और वहीं इसमें भी आपको लेडी पिलियन फुटरेस्ट भी देखने को मिल जाती है। तो ये सारे फीचर्स के साथ ये मिल जाती है, ज्यादा फीचर्स ज्यादा प्रीमियम लुक के साथ ही मिल जाती है। बाकी इसके भी जो ग्राउंड क्लियरेंस है 155 mm की है। इसका जो कर्व वेट है थोड़ा सा ज्यादा, बैटरी के साथ 130 kg तक है और लोडिंग कैपेसिटी लगभग 150 kg तक है। पर इसके प्राइसिंग की बात करें तो एम्पियर प्राइमस का एक्सरूम जो दिल्ली में प्राइस है 1,09,900 यानी कि 1,09,900 रुपए तक है, जो कि ऑन रोड आपको सब्सिडी के बाद लगभग 1,27,000 रुपीज के आसपास मिल जाती है। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैंने आपको एम्पियर कंपनी के जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर अभी बेचे जा रहे हैं, तीन मॉडल्स बेचे जा रहे हैं, तीनों मॉडल्स के बारे में आपको मैंने डिटेल में जानकारी दे दिया है। जो आपको पसंद है उसको आप ले सकते हैं। बाकी और भी आपका कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं इन स्कूटर से रिलेटेड। बाकी अपने तरफ से मैंने जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको दे दी है। हालांकि इसका जो पहले का जो दो मॉडल है वहाँ पे फीचर्स थोड़े से लिमिटेड मिल जाते हैं, लेकिन जो स्कूटर में जरूरी फीचर्स हैं वो सारे यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।